अभी अभी हमें क्या रिसीव हुआ है, ये तो सही लग रहे हैं, ये नहीं सही लग रहा बैग। अरे वो तो मेरा फाइनल हो चुका है ना। ए भाई ये भी खोलना, इनको देखते हैं कैसे। अब ये हमने इसके ऊपर कॉटन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करवाई है ना, प्रिंट वाला नहीं करा सैटन का। बच्चे का है ना, क्योंकि सैटन वाला ना बच्चे को चुभता है, ये चुभेगा नहीं। और ये बच्चे में टैग, टैग्स हैं, प्राइस टैग। ये मुझे अगर मुझे किसी में ड्राई क्लीन दिखना है तो मैं यहाँ पे पेन से अलग से लिख के दे दूंगी। हाँ क्या स्टिकर्स हैं गोल वाले। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे सेसी व्लॉग्स। अब भी आपने थोड़ी सी तैयारियां देखी, ये बैग्स टैग्स वगैरह जिस पे लिखा था लेवेंडर्स ब्लू, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि वो क्या है। एक्चुअली काफ़ी लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। जसमीत का पहले अपना बुटीक होता था, जैसे ही उसने मेकअप स्टार्ट करा तो वो दोनों चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाई, तो उसने बुटीक को छोड़ दिया और अब वो सिर्फ मेकअप कर रही है। तो अभी जो सीज़न टाइम होता है ना, उस पर तो मेकअप्स बहुत होते हैं, नवंबर दिसंबर जन फेब जब वेडिंग सीजन होता है। बट अभी जैसे ऑफ सीज़न है तो जसमीत मतलब जो शुरू से काम करते हैं ना, आपको पता है कि उसके लिए ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है घर पर ऐसे खाली बैठना। तो ये जो थोड़ा सा टाइम होता है ना, ये वाला जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये बहुत फ्री टाइम होता है। मतलब इस टाइम पे ना बुकिंग्स बहुत कम होती है, मेकअप्स बहुत कम होते हैं। तो जसमीत का काफ़ी दिल कर रहा था, कहीं ना कहीं वो अपनी बुटीक को, अपनी डिज़ाइनिंग को मिस करती थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो अपना क्लॉथिंग ब्रांड स्टार्ट करे अपना। तो लेकिन वो उस टाइम पे बड़ों का करती थी, लेकिन इस टाइम पे वो स्टार्ट कर रही है ओनली किड्स। तो ये जो लेवेंडर्स ब्लू है, ये किड्स है, लेवेंडर ब्लू किड्स। जी हाँ, आप स्क्रीन पर मैं आपको पेज मेंशन कर रही हूँ। इंस्टाग्राम हमने सब कुछ कर लिया है रेडी, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हमने ड्रेसेस नहीं डाली हैं। तब तक के लिए आप लेवेंडर्स ब्लू किड्स को फॉलो कर सकते हो, अगर आपके घर में छोटा बेबी है, बेबी गर्ल, सिर्फ गर्ल्स के ही अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो आप फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ही अच्छी अच्छी वन वीक के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर अभी रक्षाबंधन कलेक्शन भी डलने वाली है पेज पे। तो जल्दी से आप फॉलो कर लो इस पेज को, एंड आगे बहुत ही अमेजिंग विंटर कलेक्शन भी आने वाली है। सो मेक श्योर कि आप लेवेंडर्स ब्लू किड्स को फॉलो करो बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रेसेस के लिए। सो या यही है, और बाकी अभी बस मैं जा रही हूँ फ्रेशन अप होने, क्योंकि हम लोग आज जा रहे हैं हल्दीराम। जी हाँ, बड़े दिनों के बाद, मम्मी का बहुत टाइम से मन था। हमारे यहाँ पे क्यूरिया में ना हल्दीराम खुला है, कह रही हूँ, बहुत बड़ा हल्दीराम खुला है। तो मम्मी ना हमेशा जब भी हम लोग उस साइड से निकलते हैं, मम्मी कहती हैं चलो किसी दिन आते हैं। और लास्ट वैसे में भी हम उस दिन गए थे चिदम्बरम, जब डोसा खाने गए थे। उसके बाद से अभी तक हम फैमिली टाइम में नहीं गए, मतलब जसमीत टोनी कभी कभी चले जाते हैं, कभी कभी मैं दीपू निकल जाते हैं मायरा को लेके। मम्मी, जसमीत टोनी, मैं, दीपू, हम लोग सब, मायरा, सब एक साथ बहुत टाइम से नहीं गए। सो आज हम वहाँ पे भी जाने वाले हैं। तो मैं फटाफट से ना फ्रेशन अप हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक आप लेवेंडर्स ब्लू को फॉलो करो। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ अमेजोन के कुछ प्रोडक्ट्स। एंड अमेजोन पे अभी स्टार्ट होने वाली है ग्रेट फ्रीडम सेल, जो कि स्टार्ट होने वाली है 6th to 10th August से, एंड अर्ली एक्सेस टू प्राइम मेंबर ऑन 5th August। सो यार जल्दी से अपना छोटा सा हॉल स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है अमेजोन से, वो लिया है ये डव का डीप मॉइस्चर बॉडी वॉश। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मॉइस्चराइजर है। जी हाँ, अभी आप सोचोगे कि ये समर्स हैं, समर में इसकी क्या ज़रूरत है। मेरा फेस बिल्कुल नॉर्मल है, ना बहुत ज़्यादा ऑयली है, ना बहुत ज़्यादा ड्राई है, बट मेरे जो हाथ और पैर है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है मेरे को हाथ पैरों पे। सो उसके लिए मुझे ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्रीमी टेक्सचर है इसका, एंड 100% जेंटल क्लिनजर है ये। एंड भैया अभी बहुत ही अच्छी डील्स ऑफर चल रहे हैं, बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाएगा ये आपको। वैसे इसका प्राइस है 395 रुपीज़। एंड सबसे अच्छी बात मुझे शार जेल्स की एंड शैम्पू की, फेस वॉश की यही लगती है कि वो इस तरह से पंप वाले होते हैं ना, तो बहुत इजी होता है उनको यूज़ करना। तो फर्स्ट लिया है मैंने ये शार जेल, बॉडी वॉश कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कारमेसी का फेस रेजर फॉर वुमेन, ये पता नहीं मेरा कौन सा बॉक्स है, इसको मैं मतलब जैसे मेरा लास्ट होता है, इसमें पैक ऑफ 3 आता है, मैं दिखा देती हूँ आपको इस तरह से। ये देखिए पैक ऑफ 3 आता है, ये रहा। जैसे ही मेरा एक लास्ट बचता है ना, मैं इसको रीस्टॉक कर लेती, बिकॉज कभी भी करना पड़ जाता है। अपर लिप्स पर तो बहुत जल्दी करना पड़ जाएगा, कहीं जाना पड़े, अदरवाइज पूरे फेस के लिए मैं 15 डेज के अंदर इसको यूज़ करती हूँ। और एक रेजर को अपने ही फेस पर करती हूँ और किसी पे नहीं करती हूँ, करना भी नहीं चाहिए। सो अपने फेस पे 2 से 3 बार यूज़ कर लेती हूँ मैं इसको, ठीक है। सो नेक्स्ट लिया है मैंने ये कारमेसी का फेस रेजर। मैंने और भी फेस रेजर यूज़ करे, बट इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं।
ठीक है। नेक्स्ट मैंने ली है ये लैक्मे 925 की सीसी कॉम्प्लेक्शन क्रीम, जिसमें मेरा शेड मैंने लिया 01 बेज। गाइस ये इतनी मस्त है ना, मतलब मायरा को लेने जाना होता है, मैं ये बहुत पहले यूज़ करती थी, बहुत यूज़ करती थी घर में। तो आपने देखा है नॉर्मली मुझे व्लॉग्स में, मैं ऐसी हर दिन अपने बाल ठीक करती हूँ ना, अपने फेस पे कुछ करती हूँ, बट अभी मायरा को लेने जाना होता है तो मैं सनस्क्रीन के बाद इसको अप्लाई कर लेती हूँ। बहुत लाइट वेटेड होती है, मूस टेक्स्चर होता है इसका। तो नेक्स्ट लिया है मैंने ये बीबी सीसी क्रीम, इसमें बीबी वाली भी आती है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिए लिए और नेक्स्ट इसके बाद लिया है मैंने बॉडी मिस्ट, जो कि लिया है मैंने मिनीसू का समर नाइट। आपको पता चल गया होगा कि मुझे मिस्ट कितने ज़्यादा पसंद है, मुझे परफ्यूम्स भी पता पसंद है, बट मुझे परफ्यूम से ज़्यादा ना मिस्ट पसंद है। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि मेरे पास कलेक्शन हो शारजिल की, मिस्ट की, क्रीम्स की, मतलब फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने ट्राई करें, ये गाइस बहुत ही रिफ्रेशिंग कुकुम्बर काइंड ऑफ कुकुम्बर, थोड़ा सा पढ़ लेना, मतलब मैं लिंक दे दूँगी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में पढ़ लेना, बहुत ही रिफ्रेशिंग सी है, बिल्कुल समर काइंड, ठीक है। सो नेक्स्ट ली है मैंने ये फ्रेग्रेंस मिनीसू की, इसमें भी दो तीन फ्रेग्रेंस और भी अवेलेबल हैं, दो तीन फ्रेग्रेंस और भी अवेलेबल हैं, आप देख लेना जो भी आपको चाहिए हो। इसके बाद मैंने लिया है अगेन डव का इवन टोन हेल्प्स रीस्टोर स्किन टोन मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो ये एक तरह से डिओड्रेंट है जो कि रोल ऑन वाला होता है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह का। एंड इसको आपने कुछ नहीं करना, जस्ट ऐसे रोल ऑन करना अपनी अंडर आर्म्स पे, एंड बस ये बहुत ही प्यारी सी फ्रेग्रेंस देता है। जैसे कि ये बता रहा है कि इवन टोन स्किन को इवन टोन भी करेगा, बिकॉज काफ़ी सारे मिस्ट परफ्यूम्स ऐसे होते हैं जो हमारी अंडर आर्म्स को डार्क कर देते हैं, मतलब उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स को क्या कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी अंडर आर्म्स को डार्क कर देते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट लिया है। सो गाइज ये सारे प्रोडक्ट्स लिए हैं मैंने अमेजोन से, और इन सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ ही साथ एक और लिंक दूंगी विच इज एमएचएस स्टोर लिंक, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको सारे प्रोडक्ट्स एक साथ देखने को मिल जाएंगे। आपको हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग से क्लिक करके देखने की जरूरत नहीं है। एंड ग्रेट फ्रीडम सेल का बैनर भी मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बाकी एक और मैं लिंक भी दे दूंगी सेल का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपने अच्छे से चेक करना है। सो या अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपना व्लॉग। मुझे अभी अभी डैडा का फोन आया, आपके लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं, चलो जल्दी से देखें। आओ ना डैडा, आपके लिए एक और गिफ्ट लेकर आए हैं, इंसेक्ट छोड़ो जल्दी आओ आओ। मैं अभी उसको इंसेक्ट दिख गया तो चुप हो गई, मैंने बोला डैडा आपके लिए गिफ्ट वहां पे। अरे हे दीपू, दीपू व्हाट इज दिस यार, दीपू ये क्या ले आए मेरे बच्चे की इसको बोला अरे दादी को बता दो, दादी को बता दो डैडा क्या। ओह माय गॉड, अब अभी खराब हो रहा, अब पकड़े इंसेक्ट, आज के बाद इंसेक्ट नहीं पकड़ेगी दादी को देख देख कैसे दिखा रही है कहते हैं मैं मायरा के लिए गिफ्ट ला रहा हूँ, देखो लायक है नहीं करता नहीं है। ओ भाई साहब मर गई, खोल दूँ मैं इसको, इसको अपने घर जाने दो, खोल दूँ? नहीं 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 दीपू, नहीं दीपू बालकनी में छिपकली खा लेगी, नहीं खाती क्या छिपकली होती। अभी चलते हैं, पहले दादी को रेडी होने दो, टीवी बंद कर दो मम्मा, तो टीवी थोड़ी देखेगा ब्रॉनी। अरे जान खाई हुई है इसने, चाबी मम्मा चाबी ले ली। सो हम लोग जा रहे हैं सब आज हल्दीराम, सैटरडे नाइट, आज हम हल्दीराम में हल्दीराम में क्या एक डिनर कर रहे हैं फैमिली डिनर, बड़े टाइम बाद लास्ट हम गए थे चिदम्बरम डोसा खाने, उसके बाद हम जा रहे हैं आज हल्दीराम। यहाँ पे ना हमारे एपिक क्यूरिया है नेचुरलिस्ट में, वहाँ हल्दीराम बड़ा सा खुला है तो हम वहीं जा रहे हैं। और देखो ग्रास हॉपर को लेकर, अरे इसको हम छोड़ देंगे मर ना जाए ना। चलो पहुंच गए हम बीकानेर गाइस, तो अभी आपने देखा हम बीकानेर पहुंच गए। पिछले कुछ टाइम से ऐसे हो रहा है मेरे ब्लॉग में कि जब हम घर से निकलते हैं ना हम कुछ और बताते हैं कि कहीं और जा रहे हैं, फिर हम पहुंच जाते हैं कहीं और,
बताती हूँ यहाँ पे भी पहुँचने की, हल्दीराम से बीकानेर तक पहुँचने की कहानी रुक जाओ। एक्चुअली हुआ क्या, हल्दीराम जैसे ही पहुँचे ना वहाँ हमें पार्किंग नहीं मिली, तो अब यहाँ पे डिफेंस कॉलोनी में बहुत ही अच्छा सा बीकानेर खुला है तो हम यहाँ आ गए। चलो मैं दिखाती हूँ उधर कैमरा करके आपको, इतना सुंदर बीकानेर खुला है यहाँ पर, बहुत बड़ा। इधर चलो, चलो 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 आगे चाची के पास। मायरा वो देखो उधर, शाही भी खाऊंगी शुगर फ्री भी, और ये तो हम खाते ही रहते हैं इसलिए ये नहीं। और भाई साहब रश देखो, हम तो यहाँ वेटिंग में है, वेटिंग में बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, ऊपर जाने का तो मौका ही नहीं है। मायरा का डांस देखो जब तक, मायरा बुमबरो बुमबरो करना। फ्रेंड बन गई है इन्होंने, थैंक यू बहुत, थैंक यू, अब आपकी फ्रेंडशिप हो गई है पता है। इसको बता दूं देखना है तो क्यूटनेस इसकी देख लो जरा यूट्यूब पे। कैसे आई है, फ्रेंड बन गई मम्मा, फ्रेंडशिप बैंड बना दिया। पिनक ना जाए मेरे को, पिनक ना जाए मम्मा खा लो। खाएगी मायरा, बोलो मैं नहीं खाऊंगी दादी। कोई तो है और एक कोल्ड कॉफी है आई थिंक, हाँ कुकुम्बर वाला, हाँ कुकुम्बर है, कुकुम्बर है तेरा, ये है मायरा ये वाला। आराम से आराम से, कैसी है मैं चिली पटेटो जिसमें से मैं भी खाऊंगी। ठीक है ना, राज कचौड़ी ऑर्डर करा था और मम्मी की ना राज कचौड़ी सबसे पहले आ गई, हम सबने मिलके खा लिया। मम्मी कह रही है अब सबका आइटम आएगा, मैं अटैक करूंगी, ऐसे बीच में बैठी हुई है मम्मी। सो सब रुक रुक के आ रहा है क्योंकि बहुत भीड़ है, आप देखो ना सिटिंग की हमें पूरे 20-25 मिनट बाद मिली है क्योंकि अभी नया खुला और सबसे बड़ा है, बहुत भीड़ है। खा ले हम लोग सब, एक काम करो चारों उठा लो फिर मायरा की शक्ल देखो। मायरा खा ले हम, चलो खाओ। आपने देख लिया, आपने देख लिया दूर से, ये कैसे कर रहे हो ये। सारा कुछ इकट्ठे जाओ ना, उत्पम जसमीत का डोसा, मायरे की चाची का उत्पम, दीपू का भी है, दीपू की एक चीज और आनी है अभी, चिली पटेटो ये भी है थाली, मायरे की इडली, जसमीत का डोसा और मम्मी मम्मी का खाए, मम्मी की राज कचौड़ी खा गए हम। मैं सबके में से खाऊंगी और बीच में बैठी हुई है मम्मी। चलो मेरे पापड़ पे अटैक तो ये हो गया। गाइज मैं घर आके नहा ली हूँ। जी हाँ, आप लोग यही सोच रहे हो ना कि वहां से मतलब एकदम से खाते खाते हम घर कैसे पहुंच गए और मैं ऐसी हालत में। ये तो चलो मैं इसलिए नहा ली क्योंकि मैं जब नहाने घुसी तो मैंने सोचा चलो शैम्पू भी कर लेते हैं क्योंकि कल मायरा का फिर स्कूल है। हुआ क्या,
सब कुछ खाना आया, हम अच्छे से खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, बहुत खुश थे क्योंकि इतने दिनों बाद हम सब गए थे, मतलब ऐसे वाले हल्दीराम की जहाँ पर अपने सबने अपने अपनी पसंद का सब कुछ ऑर्डर करा था और बस हम खा ही रहे थे। एकदम से मायरा का सब मिक्सिंग हो गया, मैंने वो जो कोल्ड कॉफ़ी मंगाई थी मायरा ने वो पूरी कोल्ड कॉफ़ी पी ली, उसके बाद उसने चिली पोटैटो खा लिए, फिर उसको उस वक्त लग गई मिर्ची, मिर्ची लगने पर वो खांसी और खांसते खांसते उसने पूरी हल्दीराम कह रही सॉरी बीकानेर में वॉमिट कर दी। बस उसके कपड़े नहीं गंदे हुए, ये शुक्र था, वरना मुझे नहीं पता मैं कैसे मैनेज करती, कैसे क्या होता। सिर्फ वहाँ पर उनका वो वैसा वाला था, लेदर वाला सोफ़ा था, उसके ऊपर वॉमिट आई और बस फटाफट से दीपू और मैं तो खड़े हो गए, हमारा कुछ खाने का मन नहीं हुआ, जसमीत ने भी कुछ नहीं खाया क्योंकि जसमीत और मेरे साइड बैठी हुई थी मायरा, तो फिर मन खराब हो गया, नहीं खाया। मम्मी और टोनी ने पूरा लास्ट तक सब कुछ इन्जॉय करा और फिर हम लोग घर आ गए और अब मैं नहा ली हूँ और बहुत थक गई हूँ गाइस। मैं अभी ना इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलते हैं मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सो या बाय।